हाय एवरीवन फ्रेंड्स, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ एचसीएफएल एनसीएम। तो इस वीडियो में हम देखेंगे एचसीएफएल एनसीएम का थर्ड पार्ट। आई होप आपने पहले दो पार्ट देखे होंगे और उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस किए होंगे और आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। अब आप थर्ड पार्ट कर रहे हो। अब आपने जो ये थर्ड पार्ट में ये जो क्वेश्चन है इसकी आपको पीडीएफ हमारे ऑफिशियल वेबसाइट जेके लिस्ट इनफो पे भी मिल जाएगी। आप वहाँ से भी इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं इस वीडियो पे 1000 प्लस लाइक एम रखते हैं और आप हर वीडियो में एक ही डाउट पूछते हो कि ये वीडियो इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल। तो मैंने बताया है ये सारे एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है जिस भी एग्जाम में मैथ्स आपको पूछा जा रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाई 20, 15 एंड 12। देखो स्मॉलेस्ट नंबर जब भी आ जाए तब आप क्या निकालते हो, एलसीएम निकालते हो। क्या निकालते हो, एलसीएम। और हाइएस्ट नंबर आ जाए तब आप निकालते हो एचसीएम, हाइएस्ट वाले केस में। तो देखो आपको एग्जाम में वो सिंपल ना पूछता कि ऐसे में आप 30 नंबर के बजाय वो ऐसे भी पूछ सकते हैं, फाइनल स्मॉलेस्ट नंबर विच कंप्लीटली डिवाइडेड बाय 20, 15 एंड 12। तो मतलब इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 है, 15 है, 12 है, तो कितना आ जाएगा, 20, 15, 12 का आ जाएगा 60। तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, 60। तो आपके पास आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन का, 60 हो गया। आपने इस क्वेश्चन में क्या निकाला था, एलसीएम निकाला था। सिंपल एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको बताया हुआ है, उस वीडियो से आप देख के निकाल सकते हो। अब देखो ये आगे ये क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, बेल्स का जब भी क्वेश्चन आएगा, ये सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन आएगा, सर्कुलर ट्रैक का क्वेश्चन, तो आपको हमेशा क्या निकालना है, एलसी। क्या निकालना है, एलसी। देखो इस वाले क्वेश्चन में हम निकालते हैं, जैसे देखो क्या बोल रखा है कि 4 बेल्स हैं, कुछ इंटरवल टाइम दे रखा होगा कि सारे एक साथ मिलके बज रही है तो फिर दोबारा वो कितने टाइम के बाद आएंगे। तो इसमें दे रखा उनका टाइम 4, 6, 3 और 12। देखो 4 के टेबल में 12 आता है, बिल्कुल 6 के टेबल में 12 आता है, 3 के टेबल में 12 आता है, तो आपके पास एलसीएम कितना आ गया, 12। और ऑप्शन में आपके क्वेश्चन में और दे रखा है तो आंसर भी कितना आ गया, 12 आवर। तो मतलब दोबारा वो एक साथ कब बजेंगे, 12 आवर के बाद बजेंगे। बेल का क्वेश्चन आएगा, सिंपल आपने क्या निकालना है, एलसीएम। अब देखो फिर 4 बेल्स का आ रखा है, टाइम दे रखा है 2, 3, 4, 6। तो 2, 3, 4, 6 का एलसीएम कितना आएगा, 12। तो मतलब दोबारा ये कितने आवर के बाद बजेंगी, 12 आवर के बाद बजेंगी। सिंपल है बेल्स क्वेश्चन। अब देखो बेल्स में एक अलग अटेड क्वेश्चन आता है, वो पूछता है कि आपको लास्ट में कुछ पार्टिकुलर टाइम के रखते थे, तो आपको पता है 2, 3, 4 और 6 है, तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा, 12 आवर के बाद ये बजेगी। और आपको पूछे 60 आवर में वो कितनी बार बजेंगे, तो बच्चे क्या करते हैं, 60 डिवाइड बाई 12 कर लेते हैं, 5 और ऑप्शन होता है 5, उसको मार्क करके आते हैं, बट 5 इज रॉन्ग आंसर। 5 है इसका रॉन्ग आंसर, इसका करेक्ट आंसर होता है 6। जितना टाइम पीरियड को डिवाइड करने में आया, जैसे 5 आ गया उसमें 1 करेंगे ऐड 6, अगर यहाँ पे 7 आता तो 7 में 1 ऐड करते 8 आ जाता। इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो मेन केस होता है आपको पार्टिकुलर टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब 60 आवर्स दे रखे हैं आपको, तो जब आप पहली बार बेल बजाओगे, मतलब 12 बजे आपने बेल बजाई और रात के 12 बजे, इसके बीच टाइम कितना हो गया, 12 आवर हो गए, पर जब आपने पहली बेल बजाई थी वो बच्चे क्या करते हैं, उसको गिनते नहीं है, वो खाली लास्ट की जो बजती हैं, दूसरी वाली बजती हैं, वही गिनते हैं, क्योंकि पहले बार भी तो जब एक साथ वो बेल बजी थी वो भी तो उसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आएगा ना, तो इसलिए इसमें हम लास्ट में क्या करते हैं, प्लस 1 करते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है, 4 बेल, 4 बेल दे रखी, 30 मिनट दे रखा है, 1 और दे रखा है, 1 और 30 मिनट दे रखा है, 1 और 45 मिनट दे रखा है, तो ये बोल रहा है कि सारी 12 बजे बज रही है, नून का मतलब होता है दोपहर का, तो दोबारा एक साथ कितने बजे बजेंगे। ये क्वेश्चन जो है इसका आप वीडियो पॉज करना, पहले खुद ट्राई करना, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम कर लेना, फिर देखना। तो देखो क्या होगा इसमें, सबसे पहले 30 मिनट है, तो 30 मिनट्स को सारे आवर्स में, तो मैं 30 मिनट्स को आवर में चेंज कर लेता हूँ, क्या लिख लेते हो, 1/2 आवर्स, 1 आवर है तो मतलब 1 आवर ही लिख लेंगे, 1 आवर 30 मिनट, मतलब 1 आवर को तो 1 लिख लेते, 30 मिनट मतलब क्या होता है, 1/2 आवर्स लिख सकते हैं। जैसे मान लो ये आपकी क्लॉक है, ये आपके पास होता है 60 मिनट, ये होता है 15, ये होता है 13, ये होता है 45। तो ये वाला जितना पोर्शन होता है ये क्या होता है, 1/4 होता है, 1/4, ये 1/2 आ गए, ये 3/4 आ गए, ये तो 4/4 आ गए, मतलब 1 के बराबर, इसको लिख सकते हैं 1/2, तो ये आ जाएगा 3/2 आवर्स, और ये आ जाएगा 1/45, तो ये आ जाएगा 1, और मैंने क्या बोला 3/4, तो मतलब ये आएगा 4/3, 7/4 कितना आ गया, 7/4 पार्ट आ गया आपके पास ये वाला। तो अब देखो अब आपने इसमें क्या करना है, अब आप मैंने बताया था, देखो जब भी आपके पास डिनोम ये आ जाता है 1/2 h आ गया, 1/1 h मान लो, उसके बाद 3/4 h आ गया और 7/4 h आ गया, तो इनका क्या निकालना है, एलसीएम। वैल्यू वाले का ऊपर वाले नंबर का एलसीएम लेंगे, नीचे वाले नंबर का क्या लेंगे हम,
नीचे वाले नंबर का लेते हैं हम एच सी एफ, तो आपके पास जो ऊपर वाले नंबर है वो क्या आ रखे हैं आपके पास 1137, तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा 21 आवर्स आ जाएगा 73, और एच सी एफ कितना आ जाएगा 431, मतलब एच सी एफ कॉमन कितना रहा 1, तो मतलब कितने आवर्स के बाद बचेगी 21 आवर्स के बाद बचेंगी। तो देखो 12 नून था मतलब ये 12 पीएम था, तो 24 आवर्स के बाद कितना हो जाएगा फिर 12 पीएम हो जाएगा, बट 21 आ रहा है ना, 21 मतलब 12 से 3 कम आ जाएगा, तो 11 10 9, तो मतलब कितने बजे बजेगी 9 एएम पे आपकी तीनों बेल्स दोबारा बेल सॉरी तीनों बेल्स की तीन आवर्स के बाद दोबारा बजेंगी 21 आवर्स के बाद। देखो इस क्वेश्चन में डिफिकल्ट या अलग चीज़ क्या थी कि आपको सबसे पहले ये जो था ना नंबर जो दे रखे थे आपके पास में, इनको पहले आपने आवर्स में चेंज करना था, तो आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करते वो मैंने आपको बता दिया। 30 मिनट्स को हम आधा आवर लिख सकते हैं, आधा ही आवर होता तो उसको क्या लिख लिया हमने 1/2 लिख लिया, क्या लिख लिया 1/2 आवर्स। उसके बाद 1 आवर को तो 1 ही लिख लिया, 1 और 30 मिनट मतलब 1 तो आ रहा है 30 मिनट्स 1/2 आधा पार्ट है, तो उसको 1 into 1/2 मिक्स फ्रैक्शन में कर लिया, तो इसको फिर हमने फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो 3/2 आ गया। ठीक है, ये भी आपको जब फ्रैक्शन वाले समझाएंगे हम तो उसमें बताएंगे आपको कि मिक्स फ्रैक्शन कौन सी होती है, प्रॉपर कौन सी होती है, इम्प्रॉपर कौन सी होती है, हर टाइप का फ्रैक्शन बताएंगे। तो ऐसे इनको चेंज कर लिया आपने मिक्स से सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर लिया, तो आपके पास क्या आ गया उनका फिर एलसीएम निकाला, तो मैंने फ्रैक्शन वाले नंबर का आपको एलसीएम ऐसे निकालना सिखाया हुआ है, तो ऐसे निकाल दिया एलसीएम आ गया आपके पास 21 और 12 बजे बच रही थी, तो फिर 24 आवर कर लो तो 12 आ गए, फिर उससे 3 कम कर लो तो 9 एएम आ गया आपके पास क्वेश्चन का आंसर। अब देखो आ गया रनिंग ट्रैक पर, तो मैंने क्या कहा था रनिंग ट्रैक आ रखा तो इनका भी ले लो एलसीएम, तो मतलब 200 दे रखा है, 300 दे रखा है, 360 दे रखा है और 45 दे रखा है 450, मतलब सबसे पहले हम सबके 00 कार्ड देते हैं, लास्ट पे 00 ऐड कर लेंगे। अब आ गया आपके पास 20, 30, 36 और 45, तो देखो 20 और 30 के तो आपको पता है दोनों प्राइम नंबर है 20 और 30, सिंपल इनका प्रोडक्ट ले लो, प्रोडक्ट नहीं लेंगे तो सिंपल इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आ जाएगा। अब देखो प्राइम नंबर नहीं थे ना ये कौन सा कंपोज नंबर आ रहा था, इनके बीच का एलसीएम टेन आ रहा, तो देखो 20 और 30 को क्या किया, 20 30 कर दिया, 10 के साथ डिवाइड कर दिया 2 3, ये आ गया इनका रेशियो, एच सी एफ इंटू रेशियो क्या होता है एलसीएम, तो आगे 60 इनका एलसीएम आ गया 60। अब आगे 36 और 45 90 पे नहीं आता तो 180 आ जाता है इनका, इनके बीच का आ जाता है आपके पास 180, इनके बीच का आ गया 180, तो ये आ गया 60 आपके पास, 60 और 180 का एलसीएम कितना गया 180, बट आपने जीरो पहले कैंसिल किया था कितना गया 1800 सेकेंड्स आंसर आ गया। सिंपल ये जो नंबर थे इनका एलसीएम निकाल लो आपके पास जो आएगा वो आ जाएगा आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखो थोड़ा ये अलग कैटेगरी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब कोई सर्कुलर ट्रैक है सर्कल में आ दो बना लीजिए, सर्कल में ये पॉइंट मान लेते हैं यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं सारे और यहाँ पे दोबारा वापस एंड हो रहे हैं, 12 मीटर लेंथ इसकी कितनी है 12 किलोमीटर है, ए बी सी आर रनिंग इन द सेम डायरेक्शन साथ दौड़ रहे हैं एट द सेम स्पीड विद 3730, तो मतलब स्पीड जो है वो ए की कितनी दे रखी है 3 किलोमीटर पर और बी की कितनी दे रखी है 7 किलोमीटर पर और सी की स्पीड कितनी दे रखी है 13 किलोमीटर पर। इस क्वेश्चन में आपको ट्रिक के साथ भी बताऊंगा और सिंपल जो बेसिक मेथड है वैसे, तो ये आ गया। अब आपको क्या निकालना कितने मीटर, मतलब इनका एलसीएम निकालना, स्पीड निकल गई आपके पास, डिस्टेंस दिया होता है, टाइम कैसे निकालते, तो आपको तो स्पीड होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम निकालोगे आप मतलब टाइम टेकन बाई ए क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा आपके पास डिस्टेंस बता स्पीड, डिस्टेंस कितनी दे रखा आपके पास 12 और स्पीड ए की कितनी आ गई है 3, तो मतलब ये आ जाएगा 4/1 लिख लो या 12/3 रख लो। अब टाइम टेकन बाई बी कितना आ जाएगा 12/7 और टाइम टेकन बाई सी कितना आ जाएगा 12/13, तो आपको मैंने क्या बोला था इनका क्या ले लो आप एलसीएम लोगे 12/3 या मतलब 4/1 12/7 और 12/13 का एलसीएम ले लो, ऊपर वाले नंबर का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा और नीचे वाले का एलसीएम कितना आ जाएगा 1, तो आपके पास आंसर कितना आ गया 12 आवर्स आ गया आपके पास आंसर, कितना आ गया आपके पास आंसर 12 आवर्स आ गया आपके पास आंसर। तो ये तो था आपके पास बेसिक मेथड, अब इसमें देखो जो सिंपल ट्रिक है वो क्या बोलती, जो डिस्टेंस है डिस्टेंस तो लिखो आप, ऊपर डिस्टेंस रहेगा नीचे लिख लो एलसीएम ऑफ स्पीड, जो स्पीड डिस्टेंस कितना था आपके पास 12, अब स्पीड कितनी थी देखो स्पीड कितनी थी आपके पास 3 थी 7 थी और 13, तो 3 7 13 का एचसीएफ कितना आता है 1, तो आंसर कितना आ गया 12/1 मतलब 12 आ गया आपके पास आंसर।
अब देखो सेकंड क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस कितना दे रखा है, 120 दे रखा है, तो आंसर क्या लिखोगे, 120 डिवाइड बाई 21 63, 20 61 63 66, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, एस सॉरी एच से आ जाएगा 3, तो डिवाइड बाई 3 करोगे तो 40, और उसके बाद क्या करेंगे वो मीट करेंगे। तो सिंपल ये था ट्रिक। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है 621 वाला, इसका आंसर आप क्या करोगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओगे। ट्रिक में क्या करते हैं, डिस्टेंस ले लेते हैं, डिवाइड में जो स्पीड दे रखी होती है उनका एचसीएफ लेते हैं। अब देखो ये जो ट्रैफिक लाइट वाला क्वेश्चन है, इसमें भी हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। पहले सबसे पहले 45, 75 और 90 सेकंड का एलसीएम निकालो। 45, 75, 90 सेकंड का एलसीएम क्या आ जाएगा आपके पास, अगर निकाल सकते हो तो वीडियो पॉज करके निकाल लेना, अगर नहीं निकलना बन रहा है तो देखो वीडियो। तो 45 लिख लो, 75 लिख लो, 90 लिख लो। पता है मुझे सारे ये 5 के साथ जाते हैं, 5 के साथ लिख लिया, ये 9 के साथ चला जाएगा, ये 1 आ गया, तो फिर 25 मतलब 15 के साथ आ गया, तो ये 19 आ गया आपके पास 18 के बाद, ठीक है। अब 3 के साथ काट लो, 3 3 9, 3 5 15, 3 6 18, फिर 3 के साथ काट दो, 1 आ गया, 5 आ गया, 2 आ गया, 5 2 आ गया 10, मतलब दोनों प्राइम नंबर, तो मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3 आ गया 30, 30 × 3 90, 90 × 4 मतलब 450 सेकेंड्स आ गया आपके पास एलसीएम। अब 450 सेकेंड्स के बाद ये क्या है, दोबारी एक साथ ट्रैफिक सिग्नल की लाइट क्या होगी, ग्लो करेंगे। तो पहले बोला ये 7:20:15 पे करेंगे, तो दोबारा कितने पे करेंगे, तो 450 सेकेंड्स को आप कितने मिनट में आता है, 7 मिनट आ गया, मतलब 450 को 760 के साथ डिवाइड करोगे 7 मिनट्स तो आ गए, और 30 सेकेंड, तो मतलब इसमें 7 मिनट और ऐड होंगे, तो मतलब 7:27 और 15 में 30 सेकंड और जोड़ोगे तो कितना आएंगे, 45 सेकंड के बाद क्या करेंगे, ये दोबारा ग्लो करेंगे। उसके बाद देखो एचसीएफ आप 0 और 6, मैंने कहा था 0 और 6 का एचसीएफ पूछे, एलसीएफ पूछ तो वो क्या होता है, ऑलवेज अनडिफाइंड होता है। अब देखो एचसीएफ ऑफ पी एंड क्यू इक्वल्स टू एक्स दे रखा है और क्यू की वैल्यू दे रखी है एलसीएम निकालना, तो सिंपल फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर के आने मतलब पी इंटू क्यू इक्वल्स टू एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है, तो एचसीएफ हमारे पास कितना है, एक्स है, एलसीएम निकालना है, तो क्यू की वैल्यू आपके पास एक्स वाई दे रखी है, क्यू एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स इंटू एल, एक्स और एक्स कैंसिल, तो एलसीएम कितना आ गया, पी वाई, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। अब देखो डे ये दे रखा है, ऐसे जैसे क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम के प्रैक्टिस सेट में भी करवाया था, वरना यहाँ पे भी देखो देखो बोल रहा था सम ऑफ टू नंबर इज 45, तो मतलब ए प्लस बी दो नंबर ले तो उनका सम कितना दे रखा है 45, और उसके बाद उनका डिफरेंस बोल रहा है वो क्या है 1/9 टाइम सम, तो मतलब ए माइनस बी कितना आएगा इसका 9 टाइम, 1/9 ऑफ 45 करोगे तो कितना आ जाएगा 5, तो मतलब एलसीएम कितना आ गया 5, सॉरी डिफरेंस आ गया, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर लो, ये आ जाएगा 2a = 50, तो a आ जाएगा आपके पास 25, इसी इक्वेशन में a की वैल्यू डाल दो, तो मतलब 25 - b = 5, तो 25 इसको इधर ले आओ -5 = b, तो 20 आ गया आपके पास b, a आ गया आपके पास, फर्स्ट नंबर आ गया 25, सेकंड नंबर आ गया 20, तो इनका एलसीएम लेना, तो कितना आ जाएगा इनका एलसीएम, सिंपल है 100 आ जाएगा इनका एलसीएम। अब देखो ये जो कैपेसिटी ऑफ टू पॉट्स इज 140 लीटर, अब देखो मेजर एग्जैक्टली मेजर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, तब भी आप क्या लेते हो, दो नंबर का एलसीएम लेते हो, तो 120 और 56 का एलसीएम कितना आ जाएगा आपके, सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा एचसीएफ इसका 126, तो मतलब 120 है उसके बाद 56 है आपके पास, सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये 8 के साथ डिवाइड होते हैं, बिल्कुल ये 8 में 15 के साथ हो जाएगा, ये 8 7 के साथ हो जाएगा, दोनों नंबर में कुछ कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ आ गया 8, बट एचसीएफ तो आ गया आपके पास 8 लीटर, ऑप्शन में आपके पास सीसी है, सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर में दे रखा है सीसी, तो 1 लीटर किसके बराबर होता है, 1000 सीसी के बराबर होता है, तो इसका आंसर 8 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 8000 सीसी आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद देखो आपके पास ये क्वेश्चन है, क्या अगर 21 मैंगो ट्रीज 42 एप्पल ट्री 56 ऑरेंज ट्रीज हैव टू प्लांट इन रो सच दैट ईच रो कंटेन्स सेम नंबर ऑफ ट्री ऑफ वन वैरायटी ओनली, मिनिमम नंबर ऑफ ट्री इन विच मिनिमम नंबर ऑफ रो इन विच द ट्री कैन बी प्लांटेड, देखो आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज पूछी, तो अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज आपको बनानी है, मिनिमम नंबर ऑफ रोज बनानी है आपने, तो हर रो में क्या होंगे आपके पास, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स होंगे, तो अगर मैक्सिमम नंबर के लिए मैंने क्या बोला था, आप क्या निकालते हो, एचसीएफ निकालते हो, तो 21 42 और 56 का एचसीएफ कितना आएगा, 7 आ जाएगा। अब आपने देखा ऑप्शन में 7 तो नहीं है, बट इसने क्या पूछे कितनी नंबर ऑफ रोज आएंगे, तो मतलब अगर 21 मैंगो की है तो 7 के साथ डिवाइड कर लो, तो 3, तो मतलब 3
रो आपके पास आ जाएंगी मैंगो, क्योंकि उसने सेम वैरायटी की पूछे, एप्पल के 42 हैं, सेब 7 एक में आ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, तो कितने आ जाएंगे ये 6, तो मतलब 6 रोज किसकी बनेगी एप्पल की, और 56 को कर लोगे तो 7 के साथ आपके पास आ जाएगी 8, तो 8 6 और 3 कर लोगे तो 17 आपके पास क्या बन जाएंगी टोटल नंबर ऑफ रोज। देखो इसमें क्या हमने एच से क्यों लेगा, क्योंकि आपको मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालनी है, अगर मिनिमम नंबर ऑफ रोज निकालने तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्लांट्स उसमें हम प्लांट करेंगे तभी जाके आपके पास क्या बनेंगे मिनिमम नंबर ऑफ रोज। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, जो भी डाउट होगी आपकी कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अब नेक्स्ट पार्ट में आपका एच से कल से खत्म हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट यूनिट करेंगे रेशियो प्रोपोर्शन। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद। और इस वीडियो की अगर प्रैक्टिस सेट चाहिए तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट जेपीडब्ल्यूइन.info पे आ जाएंगे, वहाँ पे आपको इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, बाय, जय हिंद।